प्रेसिडेंट कौन है मैनेजमेंट के? मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट कैप्टन अकबर साहब खलपे हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सेक्रेटरी साहब। पेशवाई टाइम मतला छत्रपति शिवाजी महाराज टाइम मतला त्रास नो तो बारकला 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 नहीं बारकला मी जाता होता इंशाल्लाह नको जजा कर चलो काय सांगायचं आहे? काय सांगू सर, नाही चुकट चुकट आहे ना, आम्ही पण चुकट बोलतात आणि खालची लोक बेसव बोलतात। छत्रपती शिवाजी महाराज के बरखुद्दार छत्रपती संभाजी महाराज को गिरफ्तार किया गया था। कन्नेश्वर मंदिर को चालुक्य डायनेस्टी के जमाने में यानी 11वीं सेंचुरी में तामीर किया गया था। ये फरीद पाटनकर साहब है। इब्राहिम काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो जनाब? तुमचे बाइक है, स्कूटर है का? आमचे गाडी देताव? ओके चला, ओके चला। हम हो बिल्कुल जी, अभी हम लोग कस्बा गाँव जाएंगे, हनीफ मोडक साहब के गाँव में। चला आता तुम्ही फोड़े आमचे मिले कारवा इंशाल्लाह। कस्बा गाँव जो संगमेश्वर तालुके में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी, और यहाँ के लोग बहुत सारे शिप वगैरह पे हैं, कैप्टन वगैरह शिपिंग लाइन में ज्यादा है। ये हार्डली है ना, संगमेश्वर जो मुंबई गोवा हाईवे है वहाँ से हाफ किलोमीटर के डिस्टेंस पे अंदर है। हाँ एक मिनट, हम ये इतना बाहर बैठते हो ना सारा ना। सर सलाम वालेकुम, क्या नाम जनाब आपका? मनेर सर। मनेर का है ना? निसार मनेर। निसार मनेर सर, और मैडम है, आप भी टीचर हैं? है प्रिंसिपल है, रिटायर हो चुके हैं। जी जी अच्छा। न्यू इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज सर, मराठी एंड इंग्लिश मीडियम से। मैडम आप प्रिंसिपल साहब है यहाँ की है। मैडम आपका नाम क्या? निसार मनेर। जी लतीफा निसार मनेर साहब। अरे आपके हस्बैंड है मनेर सर, आपका निसार मनेर सर, अरे आप रिटायर हो चुके हैं और मैडम प्रिंसिपल साहब हैं। तो आपका जो कॉलेज है वो कौन सा, आर्ट्स साइंस कॉमर्स क्या है? आर्ट्स कॉमर्स दोनों, साइंस भी है, तीनों है। जूनियर कॉलेज 11-12 तक ही है। ओके हाँ, ये यहाँ एच एस सी का सेंटर भी लगा हुआ है जी। और ये देखो मैं बता देता हूँ, कैप्टन रफीक नाना कापड़ी मेमोरियल बिल्डिंग सपोर्टेड बाय द सखूम, क्या सखूम विथ ट्रस्ट, माशाल्लाह। जी जी हाँ, अब एग्जाम चली तो अब उन कुछ नहीं जा सकते, 12 के एग्जाम चल रहे हैं, 12 जी। काय जी कल तो स्कूल था, जी इमारत है ना, फिर तो नवीन इमारत बन ली है, अन ही जूनी इमारत है। ओके ठीक। तो स्टूडेंट कितने बताए? 1400 बच्चे। यानी हाई स्कूल में, हाई स्कूल और कॉलेज, कॉलेज इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश और मराठी मीडियम, मराठी मीडियम, टोटल मिला के 1400 स्टूडेंट्स हैं। और आप इब्राहिम मोडक साहब की पोस्ट क्या है? इब्राहिम काजी साहब की वाइस प्रेसिडेंट ट्रस्ट के, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी एक्स प्रिंसिपल निसार मनेर सर और इनकी मिसेस लतीफा मनेर साहबा, तो इनसे जब मेरी बात हुई तो मैनेजमेंट के बारे में कुछ और भी मैंने जानकारी हासिल की और मेरे जानने वाले भी लोग निकले। सर अभी प्रेसिडेंट कौन है मैनेजमेंट के? मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट कैप्टन अकबर साहब खलपे हैं, वाइस प्रेसिडेंट नियाज साहब कापड़ी और इब्राहिम साहब काजी है। इब्राहिम साहब काजी साहब है, वो भी वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, सेक्रेटरी साहब कौन बताए थे? सेक्रेटरी साहब सईद साहब उपाध्याय। सईद साहब उपाध्याय, तो ठीक है। सभी मैनेजमेंट स्कूल के मैनेजमेंट की भी ये मिली कि कौन कौन जिम्मेदार है? स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट 1940 में हुआ। हाँ वो तो मैं बता दिया था। कैप्टन अकबर खलपे साहब प्रेसिडेंट मेरे दोस्त हैं और मैं इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा है कि अगर मैं आपका जिक्र नहीं करूँगा तो आप मुझसे नाराज हो जाएंगे। अभी ये देखो आगे क्या है, क्या बने? फालूदा है, माशाल्लाह। फालूदा के साथ वेलकम है हमारे लंदन वाले गेस्ट मुमताज खांचे साहब, और ये आपके बाबा दादा का गांव है पुराना, यहाँ से खांचे लोग ने आपको क्यों भगा दिया? अच्छा चले गए, पेशवाओं ने भगा दिया ना, यहाँ के लोगों से मोहब्बत तो है आपकी। और ये समीर आइसक्रीम सेंटर, तो भाई ये कस्बा वालों शुक्रिया, हम आते ही हमको ठंडा कर दिए इस फलूदा के साथ। चलो तो इसको मज़ा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम गांव जा रहे हैं कस्बा के अंदर, स्कूल के पास से। कौन सी उर्दू स्कूल? राइट का लेफ्ट ही ना, राइट ला हाँ। की जो शिकली ले। अच्छा हाँ, प्राइमरी उर्दू स्कूल है। अच्छा पोरा का ना है? दोन पोरा है। अच्छा ही मस्जिद कहाँ जी का है? जुमा मस्जिद।
यहाँ की जुमाया जामा मस्जिद, कस्बा की जामे मस्जिद जी जी हाँ। ये उर्दू स्कूल अभी हमने देखा, कस्बा की जिला परिषद, हाँ दो ही बच्चे पढ़ रहे हैं। चलो गुंबद वो तालाब मस्जिद कहते हैं, उसी मस्जिद में एक निकाह पढ़ने के मैं शादी में शिरकत किया था, साफ नहीं दिखाई देगी, गुंबद दिखाई दे रहा है सिर्फ। चलो तालाब मस्जिद, और ये मोहल्ला कौन सा क्या कुछ है? यार उबा मोहल्ला बोलते हैं, उबा मोहल्ला, उबा मोहल्ला हाँ। अच्छा अपने अड़ना बोले था खाचे, अच्छा कापड़ी हाँ हाँ मोहल्ला जस्ते आता उबा चा मोहल्ला संगत आज तुमचे कडे काजी मोहल्ला, काजी मोहल्ला, काजी मोहल्ला काजी जस्त मोडक आहे पाटणकर आहे, अच्छा ये भी आहे, अच्छा ये मोडक पाटणकर, पाटणकर खास कर नायरी जे असतात ना जास्त, हां पण आमच्या इकडे एक चार पाच घर आहेत। ओके ठीक आहे। चला पुढे, इथे मिनार मस्जिदचा बोर्ड लागलाय, गाडी जाते हे मिनार मस्जिद बोर्ड आहे, यहां से हम अंदर जा रहे हैं। नमस्ते, हम लेट हो गए, अच्छा मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। मोहल्ला वो कौन सा बोले? काजी मोहल्ला, तुम्ही हा मोहल्ला माशाल्लाह। ये देखो मिनारा मस्जिद ब्लू एंड व्हाइट, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सेक्रेटरी आई शहीद उपाध्याय, सेक्रेटरी ये जो आगे वाले चल रहे हैं, ये आगे वाले चल रहे हैं शहीद उपाध्याय, शहीद उपाध्याय स्कूल कमेटी के सेक्रेटरी ना, जमात के भी सेक्रेटरी है और स्कूल भी सेक्रेटरी, माशाल्लाह डबल डबल पोस्ट है। अस्सलाम वालेकुम सेक्रेटरी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत ना? मैं सब हां जमात की मीटिंग जी, अभी मैंने आपको यहां पे डेट बताया, फर्स्ट टाइम 1660 में मस्जिद बनी 1660 में, सेकंड टाइम वापस से रिकंस्ट्रक्ट हुई, जो छोटी मस्जिद को और बड़ा बना दे पक्का वो बनी है 1932, और उसके बाद तीसरी बार 2011 या 2023 चल रहा है। मुझे वापस से मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ के लोग जो है ना बहुत समझदार लोग हैं, और इन्होंने अपनी मस्जिद का रिकॉर्ड रखा है। कोकण में कई मस्जिदों का रिकॉर्ड जो है लोग मेंटेन नहीं करते, मस्जिदों की जो लेटेस्ट तारीख रहती है कब रिकंस्ट्रक्ट हुई आखिरी बार 2011 में 10 में वही लिखते हैं। अक्सर मस्जिदों का और जमातों का यही हाल है, यह आपकी लापरवाही का बहुत बड़ा नुकसान होता है पूरी कम्युनिटी को। जब NRC CA जब लागू होता है ना, आपके सबूत जब मांगे जाते हैं, तो ये पत्थर जो है ना वही बोलते हैं, तो आपकी तारीख बताते हैं कि आप ये गांव कब से बसा, मस्जिद कब, 1660 से लेकर अभी तक से आप सोचिए कितने साल हो गए हैं, लेकिन इन्होंने रिकॉर्ड कायम रखा है। उससे पहले वहाँ मस्जिद थी, वो भी है कौन सी, उसको टैक्स भी नहीं है, वो टैक्स में है, अच्छा बस उसका रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड आपके वो मस्जिद लेकिन है कि नहीं, दस्तगीर और रिफाइल जो गाड़ी है, दस्तगीर और रिफाइल बोले जाते हो पहले से वहाँ है, वहाँ एक जमाने में हमारी मस्जिद नमाजें पढ़ती थी, जब कुछ नहीं था उस जमाने में, जो खान का मस्जिद है वो जी जी के लिए मस्जिद है, और अभी फिलहाल वहाँ दरगाह भी है, दरगाह आगे की गाड़ी है, चिल्ला है जी, वो मेरे पास उसका रिकॉर्ड है कि ये पहले मस्जिद थी और उसको टैक्स नहीं है, क्योंकि बहुत पहले आए करके ये मस्जिद से भी पहले की है, इट इज वोमिटेड फ्रॉम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। देखिए अभी यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो तहसीलदार ऑफिस का उसका मेरे पास उसका ये, हाँ ठीक है अभी बता रहा हूँ कि यहाँ पे पहले जो मस्जिद थी और वहाँ पे जो एक सिस्टम था इस्लामी खानकाही निज़ाम जिनको कहते हैं, तो रिफाई और दीगर जो सिलसिले कहते हैं ना, तो ऐसे वक्त में वहाँ जब मस्जिद हुआ करती लोग जिक्र फिक्र किया करते थे, और फिर वहाँ पे जब इन्होंने आबादी के हिसाब से यहाँ मस्जिद बनाई 1660 में, अलबत्ता उस मस्जिद की जगह पर चिल्ला है, चिल्ला मतलब वहाँ कोई मज़ार नहीं होती है, पुराने ज़माने उस वक्त के लोगों पर जो भी जैसा भी दीन था उन्होंने उसको कायम रखा, लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो मस्जिद है जिसका कोई टैक्स नहीं है। ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी नमाज से हम लोग फारिग होते हैं, जोहर की नमाज, ये भी मेंबर है, और आज 25 फरवरी है, जमात के मेंबर है ये सारे, जमात के मेंबर से माशाल्लाह, कस्बा वाले तुमच्या सगळ्यांचा माशाल्लाह बेस वाटला की तुम्ही सगळा रिकॉर्ड पण ठेवताओ,
आणि इथे पण छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक स्मारक वरती तिथे पण आपण जाऊ बघू त्याला घोडतलंय आणि जिंदराची बाव आहे ते जिंदरा तो असो हे आहे जिंदर बोलते जो हम लोग डोंगरी पे पाणी लाते ना जब हम मशाक बोलते तो उसको मराठी में बोलते उसको जिंदर तो अभी वो जिंदर उधर कैसे आया इतिहासकार इधर आए थे वो मुजफ्फर भाई सैयद उन्होंने उनके साथ दूसरे का चंदन शिवे भी थे उन्होंने बोले कि ये जिंदर का वीर बोलेगा तो बाव बोलेगा तो जिंदर ताला बोलता मग ते तिथे पाणी भरत आणि घोडतल वरती आहे त्या शिवाजी महाराजांचे संभाजी महाराजांचे जे घोडे होते त्या तिकडे पाणी टाकत आता ते जर मशाक त्याला आम्ही मशाक बोलतो ते जर फाटला तुटला अख्ख्या मुस्लिम पुऱ्या वाडीमधा त्याला चारच कसे हिंदू इथे आले चर्माकार समाजाचे तर ते हे त्यासाठी त्यांनी महाराजांनी ठेवलेले आज त्यांची ती चौथी पाच असेल ती पिढी चालली त्यांचं आडनाव सावंत आहे ते तिथे आहेत काही कदम आहेत असे ते आहेत असा इतिहास आहे या गावाला मागे तोफ पण मिळाली होती अच्छा आता तिकडे थिबा पॅलेसला ठेवलेलं आहे अच्छा थिबा पॅलेस नेऊन ठेवले तिकडे अच्छा जो सामने देख रहे पहाड़ है और पहाड़ की चोटी पे जो टॉप है एक तरफ देख रहे जो मट्टी निकालते है वहाँ पे जेसीबी लगा है वो खोदने का काम कर रहा है टॉप पे इब्राहिम वली रहमतुल्लाह अलैह की उनकी मजार है तो ये जो तारीखी गांव है यहाँ का कस्बा जो है ये खाचे आहेत बराबर आमच्या गावातला मोडक पण आहेत सावंत पण आहेत आणि वलिले पण आहेत आणि उपाधे पण आहेत आणि इतिहास यो आहे की त्या टायमातला माझं आडनाव आहे नागुटणे आम्ही नागुटणेशी आहे जाऊ आणि आमची लोक ह्या परिसरात मग ती तुमचा कस्बा असून ज्या कडवय आणि जाऊ नायरी आणि दुसरे जे माघजन ह्या पट्ट्यातल्या जैली फणसोणवाडा आहे इथला आणि इकडची लोक मग वापस गेली रत्नागिरी जिल्ह्यातला म्हणजे आपला जो आहे ना दापोली मंडणगड वेशवी त्या पट्ट्यातल्या गेली केळशीवर त्या साईडला पण गेली पण ती अडनावात आज पण तीच असते इव्हन माजरोणा जे रायगड जिल्ह्यातला आहे तिथे पण वलेले आहेत गैबी पण आहेत इकडचे गैबी सावंत वलेले खाचे मोडक उपाधे हा उपाधे ही चिकनच्या पट्ट्यातला गेली आणि तरी तुम्ही आमचे भाव बांधव पेशवाच्या टायमातला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या टायमातला त्रास नव्हतो की पेशवाच्या टायमातला त्रास दिलो जास्ती आणि लोक इकडे तिकडे गेले 40-50 वर्षा अगोदर ते खाचे लोक बिचूर ह्या गावात येत होते हो आता कोण येत नाही कारण आपण सुरुवात केले ना हो हे आईले सोडत ना बरोबर तुम्ही पण आम्ही पण नाही कोण गेलो ना आयलो नाही आयलो ह्यासाठी नाही ऋषी आपली पोळी एक दिवसातल्या गेल्या 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 असते ना ऋषीला झाली असते ना मग ती सोयऱ्या संबंधी जे सामान्य माणूस येते पण कोणा बघले आमचे पूर्वज बोलत की त्यांचा येणार जाणं होत आता मिला ना हे 75 वर्षाचे झाला मिला गले मिला त्याला गावात करा पण आता गेला नाही गावात थोडासा रिकॉर्ड लोकांना हसायला पण हवाय ना मोका सगळं तुम्हाला याच्यावरती जेवण लावलं का उपाशी आम्ही फालूदा फिरला तर सांगला आम्ही ओके ओके व्हिडिओ कसबाचा व्हिडिओ मोठा होणार आहे अहो आता सुरुवात केली आहे मी इथेच मला इतका व्हिडिओ अर्धा तासाचा होईल ओके नमाज पठण ओके सलाम जुको मस्जिद कांजोळी थोडासा हिस्सा अल्लाह मफ्ताली अबाब रमेटिक और हमारे टूर गाइड है इब्राहिम काजी साहब वाइस प्रेसिडेंट और अभी मस्जिद का कुछ काम चल रहा है यहाँ पे शानदार मस्जिद है माशाल्लाह फुल्ली एयर कंडीशन मस्जिद है एसी वगैरह लगी हुई है सब जगह पे गांव के स्कूल के बच्चे हैं इनकी जमात है हाँ तो जमात का खाना जो है ना हमेशा दाल चावल सीधा सादा भाजी जो भी पकाते हैं बहुत बढ़िया मज़ा आता है दावत भी इन्होंने हमको दी लेकिन हमको आगे जाना शूटिंग के लिए ये तुम्हारी दाल तो दिखाओ भाई जमात वाले की दाल देखने में बड़ा स्वभाव है हाँ हाँ अरे दालचा दूधी डाल के माशाल्लाह ये दूधी टाकून था दालचा माशाल्लाह और हजरत आप अमीर हैं आपका नाम क्या बता दें कौन इकबाल साकरकर साहब इरफान साकरकर दुआ करें हजरत हमारे लिए भी सारी उम्मत के लिए भी इंशाल्लाह अल्लाह इस मस्जिद को भी आबाद रखे इस बस्ती को आबाद रखे यहाँ के लोगों की जिंदगियों में बरकत अता फरमाएं और खैर हाँ खैर के फैसले फरमाएं आमीन आमीन जजाकल्ला सगला इनशाला सदा पर सगला बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे लाइफ साठ हाँ इनशाला दुआ करा पोटभर जवा हाँ बारकल्ला मी जाता होता इनशाला नको जजाकल्ला चलो कपड़ी ये है मकान कैप्टन फाइक कापड़ी साहब का मस्जिद के पास ही मीनारा मस्जिद के पास हनीफ भाई के रिश्तेदार हैं हनीफ मोरफ साहब के और ये गांव देखो भाई बहुत सारे लोगों का गांव बड़ा है किसी का घर छूट जाएगा
किसी का नाम भूल जाएंगे तो आप हमको पहले माफ़ कर देना। अब यहाँ ऑन द वे थे तो अंदर आए, हनीफ भाई की रिक्वेस्ट बोला चलो मम्मी से मिलना है। तो हितपर्ण बने रहो थे, अच्छा हितपर्ण तुम जाएगा पानी रहा नदी तय रहा था ये। हाँ लास्ट ईयर जो सैलाब आया था ना तो यहाँ पे भी हम लोग जो महाड़ में देखे राजेवाड़ी में, तो ये कौन सी नदी आपकी? शास्त्री नदी। शास्त्री नदी में भी जो पूर आया था सैलाब जिसका पानी बारिश का, तो इस गांव में तकलीफ लग गया लिफ्ट। हाँ ये इतनी दीवारों तक का जो पानी आया था, अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर तक पानी था। अभी हम लोग लेफ्ट में जा रहे हैं। गांव वालों अपने अपने मकान देख लो, ढूंढ लो और कमेंट करना, मैं ऑन द वे दिखा रहा हूँ। सलाम अलैकुम, ये आपकी गांव कस्बा। अभी मैं चलते चलते आप लोग को एक बात बता रहा हूँ, मैं सोच रहा था अपने तरफ कैमरा कर लो लेकिन मैं गांव दिखाते हुए बात करूँगा। अच्छा कोकनी था थोड़ा मैं बोलता, कस्बा नायरी अपने कड़वे मागजन फलतों ने गाँव है ना, इनके लिए गाँव ये आसपास थी। हाँ ये हिंदुस्तान का फैब्रिकेट से पूरे गाड़ी हो गई है ना थी। हाँ चलो अच्छा ये छोटी सी थी। हाँ हाँ जी इतना आतला आगे भी चल रहा जी जी ही 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 ना समझता आगे पीर। हाँ तो मैं काय बोलत होतो कि हिकनच्या लोकांची जी कोकणी आता जी मी बात करता माझी थोडा सा मिक्स झाली सगळ्या गावगाव पाणी पिऊन भटकून, पण ह्या पट्ट्याची लोक आणि दापोली मंडणगड तालुक्याचे काय गाव जसे जामगे विसापूर मुगीज पिंपलोली लाटवण दाभट तिळा ह्या गावची कोकणी, दापोली मंडणगडच्या काय गावाची कोकणी आणि संगमेश्वर तालुक्याचे जे मी नाव आता सांगले गावाचे त्या गावाची कोकणी सेम आहे। बोलू का जाऊ का खाऊ का बरोबर कितल्यान ह्या इथल्यान हा पोरग जाते इथल्यान लेफ्टला। अच्छा ती आमची भाषा आहे ना, आमची जी बोली आहे आम्ही जी बोलतो आहोत ती आमची मिठास थोडीशी अलग आहे। आमची कोकणी आता मी बोलतो त्या पद्धतीची ह्या पट्ट्याची पण आहे आमच्या पट्ट्याची पण आहे। तर कोकणीचा फरक तुम्हाला आता समजेल की संगमेश्वरी जी कोकणी आम्ही जी बोलतो आहोत हां ते अशा पद्धतीची, जसे संगमेश्वरी मराठी आहे तशी संगमेश्वरी कोकणी आहे। ही फिरोजा उपाध्ये साहेब त्यांच्या गावची आहेत, त्यांचं घर दिसते का इथे घर माझी झगडा करेल माझी बहिणीस मला तिचं घर दाखवा बोलेल माझ्या गावात घेईन माझा घर करायला दाखवलं ससुराचं। अच्छा ससुराचं का ह्या गावात हिचकी झाली ती नाही आता तिला नायरी दिसायचं पण नायरीची तारीफ करते माझा मा माझी मा करते ऐकून जा तिला काय ऐकते ते माझा बोलेल काय बोलेल इथल्या लेफ्टला ना आपण हनिक मोडक साहेबच्या घरात जात आहोत। हनिक साहेबच्या मम्मीशी मुलाकात करायला आलो होतो बसली भारती ही घर ना। आणि या मोहल्ल्याचं नाव काय? आझाद मोहल्ला। अच्छा तिकडे पण एक दर्गा आहे नदी पार हा जेवले छाती जेवले हा जातो मम्मीला मिळायला। हनीफबाईची मम्मी बाहेर बसलेच आहेत बघा खुर्चीवर। तो हजरात एक कॅप्टन हनीफ मोडक साहब का दौलत कदा है और इस दौलत कदे में ये जो आज़ाद नगर का सब मोहल्ला इस दौलत कदे में हनीफ साहब की सबसे बेहतरीन प्यारी सी अम्मी हैं। अस्सलाम वालेकुम खला और हनीफ भाई संगा तुम तो फोटो बगले हमेशा बगता हूँ मी जी खुर्ची तुम्हें बसले ना हनीफ भाई पाठी मंगती जी दुआ करा हम पन बेस असा तबियत संभाला जी 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 हजरत बसवा हे खास लंडन शैले ते बोले हनीफ भाईच्या मम्मीला मला मिळायचं आहे जी जी इब्राहिम भाई बसा सांगून करा बसव ना जी जी बस जेव इथे बाहेर वाऱ्यावर बसता हनीफ भाईच्या मम्मीशी बात करायला जरा मजा येईल जे के मतलब हनीफ साहब जो है हनीफ कॅप्टन हनीफ मोडक साहब माझे दोस्त आहे और उनकी वालिदा जो है उनसे मिलने के लिए हम लोग उनके गाँव में आए हैं। ऑन द वे थे हम लोग सावंतवाड़ी से निकले और मंडनगढ़ लाटवन उस तरफ हम लोग जा रहे थे। हमारे टूर का चौथा दिन है कुछ नियर अबाउट तो घूम ही रहे कोकण में मुमताज खाजे साहब के साथ में और इनकी भी ख्वाहिश थी कि अनीफ भाई की मम्मी से हम लोग मुलाकात करें तो उसी मकसद से हम लोग आए हैं जी जी जी। काय सांगायचं आहे? काय सांगायचं नाही चुकट चुकट आहे ना आम्ही पण चुकट बोलतात आणि खंची लोक बेसव बोलतात मग खंचा खाया काय समजू तुझा बेसपन बोलायचा बेसपन चुकट जी।
आणि तुमच्याकडे पोरा बोलतात का लेकरा बोलतात? दोन्ही बोलतात, पोरा पण आणि लेकरा पण बोलतात. कोकणीचा फरक समजू जा काय असेल तर. कोकणी बोलतात ना. अहो हनीफभाई सुगट कोकणी बोलतात, मुश्ताकभाई पण बोलतात. पण हनीफभाई कसे पब्लिकला सगळे ओळखतात ना. हो माशाल्लाह. जी जी खैरुन निसा मोडक. जी इब्राहिम मोडक. जी कॅप्टन इब्राहिम मोडक. जी जी मुद्दा साहेब तुम्ही काय बोलता बोला खालाशी. काय दुआ करतो तुमच्यासाठी. तुमची बर्थडे बघली आम्ही. बर्थडे की बर्थडे बनवली त्यांनी. बर्थडे होता मुंबई. हा ते लंडनशी आले होते तेव्हा वाटते. लंडनला आहेत. ते पण इथले कलव्यातले खाचे. आम्ही हे अनवर खाचे नाही. अनवर खाचे म्हणजे ते रुजते. आमचं गावच ह्यो आहे. आम्ही ह्या गावाशी पेशवाईच्या टायमातला आम्ही तकलीफ होत होती म्हणून इथल्या सोडून त्या जंगलात गेलो लागमोला लांब. का ती इथे तकलीफ मग होत अशी त्या टायमातला. ये भी कोई गैबी फैमिली का मकान है. अफ्रीका में रहते हैं. अस्सलाम वालेकुम हजरत. कैसे गाँव? रियाज मुल्ला साहब. माशाल्लाह. बेसो नाम मुल्ला पण तुमच्या गावात आहेत. मोब मुल्ला आहेत. चोर मुल्ला. आणि हे म्हणजे मोडक जास्ती फेमस. मोडक आणि खलीफे साहेब. मोडकाला कोणी विचारतंय? काजी आणि मुल्लाचं गाव. मुल्लाचं गाव सगळ्या रेकॉर्ड होते. रेकॉर्ड हो काजी साहेब. जसं फात्या नाही काय झालो नाही. हो काजी साहेब पण रेकॉर्ड होते. रेकॉर्ड होते. रेकॉर्ड हो हजरत. ही सगळी मस्ती मजाक झाली. सिरियस बिझनेस घेऊ नको. मुल्ला चोरबीर नाही. हे खानदानी मुल्ला खतीब काजी आहेत ना. ह्यांच्या बगैर निका नाही होत. फात्या नाही होत. काय नाही होत होती. आता हे मजाक करतो ना. सिरियसली मुल्ला लोकांनी होऊ नको तुम्ही प्लीज. हा ओके. मी मी सारवण टाकला. आपण आपण घर आहे शांती विला का हो. जी जी शांती शांती विला पण आहे. कपडी कपडी साहेब. हे पण मकान आहे. कोणतं आहे त्यातला. बंद नाही घर. हां हां. जी जी. आणि आमचा फिरोजापाचा मकान ना जांब्याचा. येतात का नाही गावातले? येतात ना. ते सगळे जुनापणा येतात. आंबे खायला येतात. फणस खायला येतात. आणि बोलतात माझं गाव माझं गाव. सगळ्या आपल्या रेकॉर्डला बोलायचा म्हणजे ती कमेंट बॉक्समध्ये आहे ना. आम्हाला काय तरी उलटा सिधा बोलायचं चालेल. मग फिरदापा तुम्हाला भडकवायसाठी सगळ्या रेकॉर्ड करताय मी. ही आहे ना. कोणतं आहे त्यांच्या घरातला? हा. आणि चिकन झी बघा ती घर. ते सगळं आजाद बोलला ना. बाजूवाले आजाद बोलला. अच्छा ओके. हे गैबी वाला सगळे गैबी माशाल्ला. उपाध्ये कॅप्टन कोण बोलले? इश्तियाक सावंत. इश्तियाक सावंत साहेब कॅप्टन सावंत सिंगापूरला आहेत. अच्छा हा पुढे आणखीन मोठा पुढे पण गाव आहे हो. बरेचसे लोकांचा गावाचा फोटो नाही घेतला. व्हिडिओ नाही घेतला. व्हिडिओ यूट्यूब चॅनल. तो हजरत हनीफ भाई की आज चाय और ये सब नाश्ते का दौर चल रहा है. साथ में सब बैठे हैं ज़ियारत मुल्ला साहब और हमारे खांचे साहब. तो चाय पी लेते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह. हनीफ भाई का घर भी दिखाने की कोशिश करते हैं. ये हनीफ भाई के यहाँ पे झूला है. ये अंदर का मकान. हनीफ भाई मम्मी तुम्हारा 1024 कोकणी लोकांनी दुआ दे हैप्पी बर्थडे बोले ना. दुआ पण दे लेना. हाँ तो वापस तुम्हें सांगा मुबारक चाहे एक मिनटा. ये फ्रंट लाइन वाला. हाँ कुणाला? हां कॅप्टन हनीफ मोडक साहब और इकडचे कॅप्टन व्ही आर केकोबाद. हनीफचे डॅडी हे ना. अच्छा अच्छा. हे त्यांचे सुपर होते ना. जी जी जी. हनीफ भाईचे डॅडी त्यांचे सेम कॉपी हनीफ भाई आहेत. माशाल्लाह माशाल्लाह. ही जी ह्या शिपने एमबी सफी जमा इराक व इराकने वार केले. सद्दाम हुसेनने कुवेतच्या होती है ना. त्या टायमातला 722 लोकांना रिफ्युजीजना इंडियातला सांभाळून त्यांनी आपल्या शिपमध्ये हल्लेन फ्री मध्ये हल्लेन होती. आणि मग ती फिल्म बनला होता त्यांचा एअरलिफ्ट अक्षय कुमारचा. ती त्यांनी दाखवल्या
एरोप्लेन मधा हंतन दाखोला स्टोरी ती थोड़ा सा चेंज केल्या गेली, जबकि हकीकी जे आहेत ना जे मुजाहिद जी खिदमत करणारे कॅप्टन इब्राहिम मोडक साहब होते, इब्राहिम मोडक साहब होते आणि ही त्यांची स्वतःची शिप होती सफीर आणि त्यांचे बरखुदार हनीफ मोडक साहब. आता ह्या एपिसोड कोकणी विलेज सिरीजमधला मी कोकणीतला कमी बोलता उर्दू जास्ती बोलता, पण कडवेवाल्या आपल्या हे तुम्ही कसब्यावाल्यांनी आपली वरून कोकणीवर म्हणा हानी बनवायला जी 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 मोठी मकान आहे इकडे पण आहे सगळं मशाला मग मोठा मकान आहे वरपर आपण जात नाही आहो शॉर्टकटमध्ये करतो हा किचन आहे चालू आहे. आता हे समोरची मुळात खाचे. अच्छा आता आपण काजी साहेब खांच्या साईड चाल जाऊ. संभाजी महाराज स्मारक आहे ना, संभाजी स्मारक साईडला. अच्छा हीच आहे का ती स्मारक? अच्छा हा तिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पोरगे संभाजी महाराजांना पकडला गेले होते. काम चालू आहे जी. अच्छा हे ते स्मारक आहे. अच्छा हे स्मारक आहे ते छत्रपती शिवाजी महाराज पोराला पकडल्या गेले होती छत्रपती संभाजी महाराजला. जी जी चला चला लेफ्टला चला. आता कर्णेश्वर मंदिर इकडे जातो. कर्णेश्वर मंदिर. आता इथे मोला चालू आहे का संपला? चालूच आहे. आता मिक्स आहेत काय सगळे आपण? हा हे बघा स्तंभ आहे श्री संभाजी रोड आहे संभाजी पथ आणि त्यांचा इथं वाडा म्हणजे महल पॅलेस होता त्या टायमाचा. इथे संभाजी महाराज पण म्हणजे रेत होते काय वाजता पुढे लेफ्टला राईटला इथे उभी करू. ओके ओके चला. ये देखो पुराने पत्थर का ये निशान वाला सब है और इस तरफ अंदर है ना. अच्छा हिते जनता होता. हाँ ये भी है. ये ही अपने कुटना का इधर ना. हाँ हाँ ये काशी थी. त्यांचा पॅलेस कोणत्या साईडला? अच्छा ही वाडा होता का ही दिसते थी. आइए हम इस वाडा या कैसल का कुछ इतिहास आपको बताते हैं, पूरा सुनिए. ये है सर देसाई का वाडा या कैसल, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के बरखुददार छत्रपति संभाजी महाराज को गिरफ्तार किया गया था. तारीख यह है कि छत्रपति संभाजी महाराज को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी मुगल कमांडर या सरदार मुकर्रब खान को दी गई थी. उनके साथ काफी फौज भी थी. छत्रपति संभाजी महाराज के साले या ब्रदर इन लॉ गनोजी शिर्के इन्होंने धोखा किया और उनकी इस जगह पे छुपने की जगह का पूरा पता मुकर्रब खान को दिया और मुकर्रब खान मुगल कमांडर ने संगमेश्वर को घेर लिया. यहाँ थोड़ी लड़ाई भी हुई और छत्रपति संभाजी महाराज के साथ उनके 25 एडवाइजर प्लस बॉडीगार्ड वगैरह भी थे. मुकर्रब खान ने उनको जिंदा पकड़ा और उनके साथ एक शायर भी थे जिनका नाम था कवि कलश. तो ये कलश जो थे वो कवि थे और उनके एडवाइजर भी थे. तो इन दोनों को गिरफ्तार करके अहमदनगर ले जाया गया और बाद में फरवरी 1689 को उन्हें शहीद किया गया. तो ये शॉर्ट हिस्ट्री थी और जिसको ये सरदार सरदेसाई का जो वाड़ा कहते हैं वो आप इस वीडियो में देख रहे हैं. और वो यही जगह थी कस्बा गांव में जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज छुपे हुए थे. दगड़ इथे एक तसाच एक तिकडे पण दगड आहे. हा स्तंभ आहे. काय नाम लेपला गया? आरसाई मोल्ला. आरसाई ये आरसाई मोहल्ले में है कस्बा के आरसाई मोहल्ले में. और अभी हम एक पुराने एक ऐसी मंदिर पे लेके जा रहे हैं. वहाँ चलने के बाद आपको बताएंगे वो क्या है उस मंदिर के बारे में और सारी चीजें बता देते हैं आपको. हाँ और मुल्ला साहब ये एरिया कौन सी अभी चल रहे हैं आरसाई मोहल्ले के बाद? बम्पा. अच्छा वेरी गुड. अभी ये देखो सामने है ये मंदिर है उसके बारे में वहाँ चल के आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कार में से उतर के. ये है कस्बा गांव में मौजूद बहुत ही मशहूर कर्णेश्वर मंदिर. कर्णेश्वर मंदिर को चालुक्य डायनेस्टी के ज़माने में यानी 11th सेंचुरी में तामीर किया गया था. कहा जाता है कि कोल्हापुर के राजा करणदेव ने इसको तामीर कराया था. इस स्ट्रक्चर को भूमि स्टाइल मंडपम महामंडपम
अंतराला और सैंक्टम तर्ज तामीर भी कह सकते हैं। आगे से रास्ता फंस होने के लिए जाता है और जहाँ पे स्तंभ था संभाजी महाराज का वहाँ से भी जाता है फंस होने के लिए, ये भी फंस होने के लिए जाता है रास्ता। हाँ। देखिए हम गाइड थे एक तो जनाब इब्राहिम काजी साहब और साथ में तुम तो नौका बोले हो जियारत मुल्ला साहब ना, तो इनका भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जियारत भाई। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह। जियारत भाई अभी यहाँ से जा रहे हैं। टाइम दे तुम्ही पण ये फरीद पाटणकर साहब है, ये मिलने के लिए खास आहे, मेडिकल स्टोर इनका है, थोडा अंधार वाटते इथे। हा या इकडे यांच्या समोर या कांचे साहबच्या आते चहा वाला काय नको, आम्हाला ऑलरेडी 2.5 तास गेले आहेत, नाही काहीच नको, कोल्ड ड्रिंक्स नाही, सब लिया, चाय भी लिया, फरुदा भी लिया, कसबावर बहुत खिदमत के, फोन करून येऊ प्लीज, तुम्ही टाइम दिले हो ना मुलाकात साठी बोला, बस मुलाकात इनफ आहे, पोट भरला आमचा, इंशाल्लाह मिलू नक्की आपण, कसब्याला। अच्छा माशाला, नायरी से हूँ। हाँ नायरी कसबा पासून 12 किलोमीटर ला। अच्छा एंड ऑफ रत्नागिरी। अच्छा तुम्ही नायरी तिकडे नायरी से, ओके ओके। तो चलिए पाटणकर साहब से मुलाकात के साथ ही ये कस्बा विलेज का एपिसोड यही खत्म करते हैं इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह फिर हम आएंगे, खाचे साहब का भी दिल इधर बैठ गया है, मोहब्बत बढ़ गई अपने पुराने लोगों से। हाथ तुमसे कस्बे वाला। जी जी चलो अल्लाह हाफिज़।